नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्री एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे एग्ज़ाम असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गेट, ICAR, JRF, SRF और नेट एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ वाटरशेड डिस्क्राइब्ड बाई द फार्मूला। ऑप्शन ए है SW = L/W, ऑप्शन बी है SW = L²/A, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यहाँ SW है शेप इंडेक्स, L है लेंथ ऑफ वाटर शेड इन किलोमीटर, W है एवरेज विड्थ ऑफ वाटर शेड इन किलोमीटर, A है एरिया ऑफ वाटर शेड इन किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ जो W होता है ये होता है A/L के बराबर। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज स्लोप ऑफ वाटर शेड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द टोपोग्राफिक मैप यूजिंग फार्मूला। ऑप्शन ए है S = M/N/A×100, ऑप्शन बी है S = A/M×N×100, ऑप्शन सी है S = M/A×100, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, S = M/N/A×100, जहाँ S है परसेंटेज वाटर शेड स्लोप, M है टोटल लेंथ ऑफ कंटूर लाइन, N है कंटूर इंटरवल इन मीटर और A है एरिया ऑफ वाटर शेड इन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज डन टू फिक्स अ आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक फीचर। ऑप्शन ए है टेस्टिंग, ऑप्शन बी है कंटूरिंग, ऑप्शन सी है कोडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रीम ऑर्डर। ऑप्शन ए है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है डायमेंशनलेस। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायमेंशनलेस। स्ट्रीम ऑर्डर की बात करें तो वो होता है मेथड ऑफ क्लासिफाइंग स्ट्रीम सेगमेंट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्राइब्यूटरीज अप स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रीम ऑर्डर क्लासिफाइड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12, 1 to 12। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स आर जॉइंड इन वन देन रिजल्टेंट स्ट्रीम सेगमेंट इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी है सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन सी है थर्ड ऑर्डर, ऑप्शन सी डी है फोर्थ ऑर्डर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑर्डर। जब कोई भी सेम सेगमेंट का स्ट्रीम ऑर्डर ज्वाइन होते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट स्ट्रीम सेगमेंट होता है वो उसके जस्ट बाद वाला होता है। जैसे दो फर्स्ट वाले मिलेंगे तो इनका रिजल्टेंट होगा सेकेंड, जब दो थर्ड वाले मिलेंगे तो इनका रिजल्टेंट होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम्स ज्वाइन टुगेदर देन रिजल्टेंट स्ट्रीम सेगमेंट टर्म्ड एज। ऑप्शन ए है फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी है सेकेंड ऑर्डर, ऑप्शन सी है थर्ड ऑर्डर, ऑप्शन डी है फोर्थ ऑर्डर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑर्डर। यहाँ भी दोनों सेम हैं तो सेकेंड प्लस सेकेंड मिलने के बाद ये जस्ट इसके बाद वाला हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का, या जो दो सेम मिलने पे जस्ट बाद वाला हो जाता है, जैसे फिफ्थ प्लस फिफ्थ मिलने पे हो जाता है सिक्स्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ लोअर ऑर्डर स्ट्रीम सेगमेंट्स ज्वाइन टू द हाई ऑर्डर स्ट्रीम सेगमेंट द रिजल्टेंट स्ट्रीम सेगमेंट। ऑप्शन ए है लोअर स्ट्रीम ऑर्डर, ऑप्शन बी है हायर स्ट्रीम ऑर्डर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हायर स्ट्रीम ऑर्डर। जैसे फर्स्ट स्ट्रीम ऑर्डर जब ज्वाइन करता है थर्ड को तो यहाँ रिजल्टेंट हो जाएगा थर्ड स्ट्रीम ऑर्डर, या सेकेंड ज्वाइन करता है फिफ्थ को तो यहाँ भी हो जाएगा फिफ्थ वाला। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट्स ऑफ अ गिवन ऑर्डर टू द नंबर ऑफ स्ट्रीम सेगमेंट्स ऑफ नेक्स्ट हायर ऑर्डर। ऑप्शन ए है
स्ट्रीम ऑर्डर, ऑप्शन बी है स्ट्रीम फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी है बाइफरकेशन रेशियो, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइफरकेशन रेशियो। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन बेसिन एरिया एंड स्ट्रीम लेंथ। ऑप्शन ए है एल इक्वल टू एम इंटू ए टू द पावर एन, ऑप्शन बी है एल अपान एम इंटू ए इंटू एन, ऑप्शन सी है ए अपान एल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल इक्वल टू एम इंटू ए टू द पावर एन। यहाँ एल है स्ट्रीम लेंथ और ए है बेसिन एरिया, एम तथा एन कॉन्स्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रेनेज एरिया एंड डिस्चार्ज। ऑप्शन ए है क्यू इक्वल टू जे ए टू द पावर एम, ऑप्शन बी है क्यू इक्वल टू जे ए पावर एम, ये है ऑप्शन बी क्यू इक्वल टू जे अपॉन ए टू द पावर एम, ऑप्शन सी है क्यू इक्वल टू ए टू द पावर एम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यू इक्वल टू जे ए टू द पावर एम। यहाँ क्यू है डिस्चार्ज, ए है बेसिन एरिया, एम और जे कॉन्स्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम सेगमेंट्स विद इन स्पेसिफाइड बेसिन टू द बेसिन एरिया। ऑप्शन ए है स्ट्रीम ऑर्डर, ऑप्शन बी है स्ट्रीम फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी है बाइफरकेशन रेशियो, ऑप्शन डी है ड्रेनेज डेंसिटी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्रेनेज डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ बेसिन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द बेसिन लेंथ, तो इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। ऑप्शन बी है रेशियो ऑफ बेसिन एरिया टू द एरिया ऑफ सर्कल विच पेरीमीटर इज द सेम टू द पेरीमीटर ऑफ द ड्रेनेज बेसिन, इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी रेशियो। ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्किल विच हैज़ द एरिया सेम टू द बेसिन टू द मैक्सिमम बेसिन लेंथ, इसको बोलते हैं इलोंगेशन रेशियो। ऑप्शन डी है स्ट्रीम सेगमेंट पर यूनिट बेसिन एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रीम फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ बेसिन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ बेसिन लेंथ। अगला क्वेश्चन है हाइप्सोमेट्रिक कर्व इज प्लॉट बिटवीन। ऑप्शन ए है रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव एरिया, ऑप्शन बी है रिलेटिव लेंथ एंड रिलेटिव वॉल्यूम, ऑप्शन सी है रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव वॉल्यूम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेटिव हाइट एंड रिलेटिव एरिया। अगला क्वेश्चन है द बाइफरकेशन रेशियो ऑफ वाटर सेड इज एसोसिएटेड टू। ऑप्शन ए है लॉ ऑफ स्ट्रीम लेंथ, ऑप्शन बी है लॉ ऑफ स्ट्रीम ऑर्डर, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ स्ट्रीम स्लोप, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ स्ट्रीम ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है द हाइजेस्ट स्ट्रीम ऑर्डर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है रिलीफ, ऑप्शन बी है ट्रंक ऑर्डर, ऑप्शन सी है आइसोसेल, ऑप्शन डी है क्रेस्ट ऑर्डर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रंक ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है फॉर अ बेटर डिलिनिएशन ऑफ वाटर सेड द मोस्ट सुटेबल स्केल ऑफ टोपो मैप इज। ऑप्शन ए है 1:60,000, ऑप्शन बी है 1:20,000, ऑप्शन सी है 1:40,000, ऑप्शन डी है 1:50,000। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1:60,000। अगला क्वेश्चन है वाटर सेड इन विच ओवरलैंड फ्लो डोमिनेट्स द चैनल फ्लो इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है स्मॉल वाटर सेड, ऑप्शन बी है लार्ज वाटर सेड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा स्मॉल वाटर सेड। लार्ज वाटर सेड के केस में होता है जस्ट इसका अपोजिट, चैनल फ्लो डोमिनेट्स ओवरलैंड फ्लो। अगला क्वेश्चन है ड्रेनेज डिवाइड रेफर्स टू द। ऑप्शन ए है वाटर सेड बाउंड्री, ऑप्शन बी है बाइफरकेशन रेशियो, ऑप्शन सी है डाइवर्जन ऑफ रन ऑफ, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाटर सेड बाउंड्री। अगला क्वेश्चन है अ वाटर सेड इज एसोसिएटेड टू। ऑप्शन ए है हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी कंप्लीशन, ऑप्शन बी है सिंगल आउटलेट, ऑप्शन सी है ड्रेनेज डेंसिटी, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव।
अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ बेसिन वेरीज फ्रॉम, ऑप्शन ए है 30 to 300 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 2 to 10 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 10 to 30 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी है मोर देन 300 लाख हेक्टेयर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ टेबल दिया हुआ है एरिया के रिस्पेक्ट में, तो जो मिनी वाटर सेट का एरिया होता है 1 to 100 हेक्टेयर, माइक्रो वाटर सेट का एरिया होता है 100 to 1000 हेक्टेयर, मिली वाटर सेट का एरिया होता है 1000 to 10000 हेक्टेयर, सब वाटर सेट का एरिया होता है 10000 to 50000 हेक्टेयर, मैक्रो वाटर सेट का एरिया होता है 50000 हेक्टेयर, वाटर सेट का एरिया होता है 50000 to 2 लाख हेक्टेयर, सब कैचमेंट का होता है 2 to 10 लाख हेक्टेयर, कैचमेंट का होता है 10 to 30 लाख हेक्टेयर, बेसिन का होता है 30 to 300 लाख हेक्टेयर और रीजन का होता है मोर देन 300 लाख हेक्टेयर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।